गुरुदेव, अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, बीकानेर के पास है बोलाना। वहाँ से उठा, मैट्रिक पास की, रेलवे नौकरी कर ली। और जामसर में मेरे गुरुदेव गंगानाथ जी थे, उनसे दीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि इस काम को आप करो जिससे दुनिया का कल्याण हो। पहले रेलवे की नौकरी करता था, फिर वहाँ से रिटायरमेंट लेके तो मैं भी करने से यहाँ आ गया जोधपुर। जोधपुर में आप लोगों ने यह आश्रम बना लिया, इसकी स्थापना मैंने की और तब से मंत्र दीक्षा देता हूँ। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। गुरुदेव, अपने बारे में कुछ और बताएं। ऐसा है, ध्यान में मालूम हुआ एक लड़का कर रहा है 18-19 साल का, श्याम रंग का। वो मेरे पास आया और मेरे कर ला, आप इसको बंसी को बजाओ। मैंने कहा मुझे आती नहीं है। वो बंसी जो हाथ में पकड़ाई और गायब हो। तब से बाद गंगानाथ पास गया, फिर मैं कृष्ण की दीक्षा देने लग गया, राधा और कृष्ण की। कृष्ण नौवें अवतार थे, हमारे धर्म में दसवां अवतार आखिरी अवतार होता है। तो कृष्ण जो बंसी दे कर चला गया, मुझे तो फंसा गया, आगे मेरे को करना है काम, इसलिए मैं कल की हूँ, दसवां अवतार हूँ। इसके बाद मैं कोई अवतार नहीं आऊँगा, 1000 साल का सत्युग है। ये बाइबल भी कहती है, हिंदू धर्म भी कहता है। गुरुदेव, लोग मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, ये मोक्ष क्या है? ऐसा है, आदमी जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, समझे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोलोक पहुंचाए मेरे लोक में, वो दोबारा नहीं आते, समझे। तो कृष्ण तो मेरे को सिद्धि दे के चला गया। अब मैं राधा और कृष्ण की दीक्षा देता हूँ, ये आखिरी दीक्षा है। इसके बाद में आदमी दोबारा जन्मता मरता नहीं। जन्म तो गया, मरेगा जरूर एक दफा, दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरुदेव, योग क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। योग का मतलब शारीरिक कसरत नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। सिद्ध योग, ध्यान योग, जप योग, लय योग। तो मैं जो दीक्षा देता हूँ वो सिद्ध योग है। गुरुदेव, शक्तिपात दीक्षा क्या है? शक्तिपात, शक्ति मैं कोई शक्ति नहीं देता हूँ, शक्ति को ऑलरेडी आप में है। मैं तो एक तरीका बताता हूँ, वो आप मंत्र जपोगे तो आपके अंदर शक्ति चेतन हो जाएगी, मंत्र दीक्षा कहते हैं इसको। गुरुदेव, क्या आप मनुष्य के अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका बताते हैं? हाँ। गुरुदेव, सिद्धि योग द्वारा कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी को मतलब कुंडलिनी रीढ़ की गड्ढी के नीचे नीचे सैक्रम में 3.5 घंटे लगा कर सोई रहती है। जब मैं मंत्र की दीक्षा देता हूँ तो वो चेतन हो जाती है, फिर वो ऊपर उठने लगती है। उस कुंडलिनी जो है वो मदर ऑफ यूनिवर्स कहलाती है। क्या कुंडलिनी आपके द्वारा दिए गए मंत्र से चेतन हो जाती है? हाँ, आज तक किसी ने कुंडली को चेतन नहीं किया। गुरुदेव, आपकी फोटो से ध्यान लगता है परंतु किसी और की फोटो से नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल के अवतार। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है। अमेरिका गया, वहाँ बहुत अमेरिकन औरतें ध्यान कर रही है, उनको योग हो रहा है। गुरुदेव, पूरे विश्व में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एड्स को असाध्य बताया है। हाँ। जबकि
सिद्ध योग से ये ठीक हो जाता है, ये कैसे होता है? वो कुंडली जागरण से होता है। और नाम जब से भगवान के नाम जब से वैज्ञानिक जरूर परेशान है, वो कहते दवाई के बिना कैसे होता है। गुरुदेव, आपके दिए मंत्र से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, हाँ क्या इसी कारण से? उसके कारण से ठीक हो रहा। गुरुदेव, क्या सिद्ध योग द्वारा सभी प्रकार के मानसिक तनावों व नशों से मुक्त होना संभव है? हाँ, मतलब भांग गांजा तो भांग अफीम छूट जाता है, ये नाम का नशा सबको चढ़ जाएगा और नशा छूट जाएगा सभी प्रकार का। अफीम बड़ा मुश्किल छूटता है, भांग गांजा बहुत आसान छूटता है, शराब बहुत आसान छूटता है, अफीम भी छूट गया। बाढ़ में मेरे बहुत से अच्छे हैं, अफीम छूट गया। गुरुदेव, क्या भगवान का नाम जपने से नशा आता है? नाम का नशा होता है। नानक देव जी ने कहा है, भाग तुला नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। यही बात कबीरदास ने कही है, नाम अमल उतरे भाई और अमल छिन छिन चल उतरे, नाम अमल बड़े सवाया। सिद्ध योग द्वारा विश्व शांति कैसे संभव है? जब रोग मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। आदमी रोग से परेशान है, पैसा लगता है फिर भी रोग ठीक नहीं होता है, एड्स का आज तक कोई इलाज ही नहीं है। गुरुदेव, हमने देखा है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा युवा वर्ग आता है, इसका क्या कारण है? और सबके यहाँ तो बुढ़े लोग जाते हैं, उनके साथ एक आध जवान लड़का होता है। मेरे यहाँ सारे जवान आते हैं और विशेषकर साइंस के डॉक्टर और इंजीनियर, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान इस मंत्र से हो जाता है, एड्स कैंसर खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव, आप सबको एक ही मंत्र देते हैं, हाँ, पर इससे सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, हाँ, ये कैसे होता है? भगवान तो एक ही है, समझे समझे। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दिशा देता हूँ, वो ईश्वर ही ठीक करता है, मैं नहीं करता। मैंने तो एक तरीका बता दिया आपको, ये जपो। सिद्ध योग में वृत्तियों की क्या भूमिका रहती है? वृत्तियां परिवर्तन नहीं होंगी जब तक तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे में अगर तामसिकता होती तो यहाँ मैं नहीं आता और गुरु के पास नहीं जाता, गंगा जी के पास, तो वृत्ति नहीं बदल सकती। क्या वृत्तियों में बदलाव के कारण परिवर्तन आता है? हाँ, वृत्तियों से सारा खेल होता है। गुरुदेव, वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। गुरुदेव, क्या आप हमें इन तीनों प्रकार की वृत्तियों के बारे में कुछ बताएंगे? तो जैसे खान पान है, गीता में साफ लिखा है तीन प्रकार की वृत्तियाँ होती है, रजोगुण क्या खाता पीता है, सत्वगुण क्या खाता पीता है, तमोगुण क्या खाता पीता है। तीन प्रकार की वृत्तियों को डिटेल गीता में लिखा हुआ है, मैंने मेरी किताबें भी लिखा है उसका, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, सो शायद आपके पास भी होगी। गुरुदेव, हमने देखा है कि कई बार तो आप अपनी उपस्थिति में दीक्षा देते हैं, परंतु बहुत से कार्यक्रमों में आपकी आवाज में रिकॉर्डेड मंत्र की सीडी चला दी जाती है, तो क्या इस रिकॉर्डेड आवाज में मंत्र को सुनकर भी दीक्षा हो जाती है? मेरी अगर आवाज है और मेरी तस्वीर है तो हो जाएगी। मेरी आवाज और मेरी तस्वीर से हो जाती है, क्योंकि मैं कल की हूँ इसलिए मेरी फोटो और मेरी आवाज़, 19 मिनट के सीडी मैंने एक बनाई है,
वो मैंने दुनिया को भेज दी। गुरुदेव, क्या आपकी सीडी को केवल गुरुवार के दिन ही देखकर दीक्षा ले सकते हैं? नहीं, वो रविवार को देख सकते हैं। वो जो सीडी बनाई है मैंने, वो तो केवल बृहस्पतिवार को बनाई है। अब वो सब बृहस्पतिवार को देखे जरूर नहीं, कोई बार को देखे बोले। गुरुदेव, आपने गुरुवार के दिन मंत्र को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा दिया। हाँ। क्या अब यह मंत्र किसी भी दिन सुन सकते हैं? हाँ, किसी बार को। योग दर्शन में खेचरी नाम की मुद्रा का उल्लेख मिलता है। हाँ। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? खेचरी मुद्रा को हमारे शिष्यों ने कहा है कि तालु में एक जीव चिपक जाते ऊपर, ऊपर से एक रस टपकता है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबरती है, निगुरा जाए प्यास। तो मेरे से दीक्षा लेते हैं, उनको सबको खेचरी मुद्रा लगती है। गुरुदेव, आप सिद्धि योग में मंत्र जाप के अलावा ध्यान करने को कहते हैं, यह ध्यान कैसे करना होता है? ध्यान आंख बंद कर रही है ना, आज्ञा चक्र पर देखो, दास शिव जी का तीसरा नहीं तो वो खुल जाएगा तो आप अनलिमिटेड पास फिर तो देखोगे। पास तो देख लिया, फ्यूचर देखोगे तो जो घटा हुआ वो काम नहीं करोगे, जो नफे वाला काम होगा वो करोगे। ये तीसरे नेत्र से दिखेगा। गुरुदेव, सिद्धि योग दर्शन द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए क्या आपने भारत के बाहर भी यात्रा की है? मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफे इजराइल गया। इजराइल में मेरे बहुत अनुयायी हैं, समझे? गुरुदेव, आपने सार्वजनिक रूप से दीक्षा देना कब से शुरू किया? सार्वजनिक तो मैंने जोधपुर में चालू की, ये आश्रम में अध्यात्मिक सत्संग जोधपुर में। वैसे मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में भी मैं पहले देता था, वहाँ ज़्यादा नहीं लोग। अब तो पूरे राजस्थान में है, गिनती का सवाल नहीं पता। मैं कोई रोल नंबर थोड़ी देता हूँ, आज अब कितने वर्ष से आवाज जाएंगे तो आप जैसे किस्मत है आगे। गुरुदेव, क्या डॉक्टर, इंजीनियर या विज्ञान से संबंधित लोग आपके पास आते हैं? हाँ, विज्ञान के लोग अब बहुत आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुत आ रहे हैं। वो जानबूझ कर आ रहे हैं कि ये सब क्या करते हैं, घर जाके फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और तो उनमें परिवर्तन आता है, आनंद आने लगता है, फिर वो घर बैठ के अपना ध्यान करते हैं। गुरुदेव, बहुत सी संस्थाओं में गुरु दीक्षा लेने के बाद संस्था में आते रहना जरूरी होता है, क्या आपसे दीक्षा लेने के बाद संस्था में आना जरूरी है? कोई आने की जरूरत नहीं है, मुझसे दीक्षा ले ली, मैंने जो नाम बता दिया जपो, मतलब रामनिधि को लोग जपो, ध्यान सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और आंख बंद करके या शिव की तीसरी नेत्र है उसके मुझे देखो या गंगा नाथ जी को देखो, ध्यान लग जाएगा। गुरुदेव, कष्टों का अंत कब होता है? ये वृत्तियां जो 3 प्रकार की होती है, भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण जब हो जाता है आप, तो फिर आप दोबारा नहीं आओगे, वो खत्म हो जाता सारे। गुरुदेव, क्या आपके पास आने वाले सभी लोग समान रूप से तत्व ज्ञान के पात्र हैं? ये जरूर नहीं है, समझे? आदमी बड़ा सीरियस होकर आते हैं,
कई तो जानने के लिए आते हैं कि मैं क्या करता हूँ। दीक्षा में आते सब, आज गुरु पूर्णिमा में जरूर नहीं, सब दीक्षा लेने के बाद में फिर उनकी वृत्ति बदल जाती है। चाहे वो जानकारी के लिए आया है कि क्या करते हैं, क्या लेते देते हैं। गुरुदेव, क्या यह ज्ञान विद्यार्थियों और बड़े बूढ़ों के लिए भी जरूरी है? ये विद्यार्थी लिखे बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध है तो ध्यान लगाते हैं तो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। बूढ़े जीते आए वो तो नाम जप करते हैं, प्रचार नहीं करते, वो तो मोक्ष के लिए आए। और विद्यार्थी जीते आए वो आगे प्रचार करते हैं। गुरुदेव, योग की पुस्तकों में दिव्य आनंद का उल्लेख मिलता है। हाँ, दिव्य आनंद क्या है और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? ये इंद्रिय अतीत आनंद है। नानक देव जी ने कहा ना, भागन तत्व नानक का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानक का तड़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कही है। नाम अमल उतरे भाई, और अमल छिन छिन चतु चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये आनंद किसी पदार्थ से नहीं आता। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि इस सिद्ध योग साधना में प्राणायाम होता है, आपका इस विषय में क्या कहना है? प्राणायाम तो एक क्रिया, प्राणायाम होना जरूरी नहीं। गुरुदेव, बहुत से योगाचार्य क्रियात्मक रूप से प्राणायाम सिखाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार सांस लेनी व छोड़नी होती है, सिद्ध योग में यह किस प्रकार होता है? वो अगर होना जरूरी है तो होता होगा। गुरुदेव, क्या प्राणायाम योग की अंतिम क्रिया है? नहीं, स्टार्ट है योग, प्राणायाम होना जरूरी नहीं है। गुरुदेव, क्या आप दीक्षा प्रोग्राम के लिए कोई शुल्क लेते हैं? देखिए, मैं किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता। मेरे गुरु गंगाईनाथ जी ने सिर्फ धूप के लिए अगरबत्ती मैं करता था, जो कि आश्रम में भी आप लोग करते हो। इसके अलावा मैंने गंगाईनाथ जी को कुछ भी नहीं दिया, और बस ये मेरे को गंगाईनाथ जी ने समझा दी कि अगरबत्ती करो। योग के लिए कोई वो पैसा टका देने की जरूरत नहीं है किसी को। मैंने आज तक जितने अब गिनती का कोई पता नहीं, अमेरिका में कम है, इजराइल में भी है ज़्यादा, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। गिनती मालूम नहीं है क्योंकि अब आज कितने आदमी है, मगर मैंने एक पैसा आज तक नहीं लिया। स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं, हाथ नहीं मारता, पैरों में रखो उसकी मर्जी, चाहे रुपया रखो चाहे 2 रुपया रखो। मैंने आज तक मांगा नहीं और नए जीवन में मांगूंगा, समझे? गुरुदेव, महर्षि अरविंद ने लिखा है कि वह परम सत्ता इस पृथ्वी पर अवतरित होगी और युग परिवर्तन तथा मनुष्य का रूपांतरण होगा, क्या आप वही काम कर रहे हैं? हाँ, अरविंद ने जो लिखा वो मेरे बारे में लिखा, मैं आपको साफ बताऊं, समझे नहीं समझे? अरविंद, महर्षि अरविंद ने जो लिखा वो 100% मेरे लिए रखा। गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है? गुरु सिर्फ समर्पण चाहता है, और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। कहा ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवाय नमः।
यहाँ मैंने क्यों लगा रखी आश्रम में गंगानाथ जी की तस्वीर, क्योंकि उनके मेहरबानी के बिना मैं आज यहाँ आश्रम नहीं बना सकता था। आश्रम बनाने में मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, लोग देते रहे। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप संसार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गुरु पूर्णिमा को ये देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस दर्शन का विस्तार करें विश्व स्तर पर। यहाँ मेरे से जो भी बाहर के रहने वाले हैं वो विश्व में सत्य बात क्या है, कुंडलिनी क्या है, कैसे जागृत होती है। गुरुदेव, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। इसमें मुझे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, राष्ट्र विशेष की जरूरत नहीं। मैं पूरे विश्व में यह परिवर्तन लाना चाहता हूँ।